तो डैनियल ब्राइन और विल ओस्प्रे का मैच कौन कौन देखना चाहेगा, रूबी राइट का फ्यूचर क्या है, और साथ ही साथ बात करने वाला हूँ बडी मर्फी के न्यू टीजर वीडियो के बारे में। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हो आप लोग। अब देखो, इस वीडियो में बहुत सारी न्यूज एंड अपडेट्स होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, और लाइक नहीं किया है तो भाई जल्दी से लाइक कर दो। अब चलो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बडी मर्फी के बारे में। तो इनके बारे में मैंने पिछली वीडियोज में बताया था कि बडी मर्फी हर रोज टीजर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मतलब हर रोज तो नहीं कर रहे, बट भाई मतलब टाइम टू टाइम वो टीज कर रहे हैं कि वो किसी कंपनी के साथ साइन हो चुके हैं या फिर किसी कंपनी में जाने वाले हैं। तो कल उन्होंने फिर से एक मतलब पोस्ट डाला ट्विटर पर, और उन्होंने सिंपली लिखा 13 डेज और एक वीडियो पोस्ट किया है। अब पिछली टीजर वीडियोज में तो भाई वो हमको जेल के अंदर देखने को मिलते थे, बट इस वाले वीडियो में ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि बडी मर्फी उस जेल से बाहर आ रहे हैं। तो अगर आपको मतलब रियल वीडियो देखना है तो उनके ट्विटर अकाउंट पर जाके सिंपली उस वीडियो को देख सकते हो। अब देखो भाई, मैं तो मतलब एक्साइटेड हो गया हूँ इनके डेब्यू के लिए, क्योंकि इनका जो टीजर वीडियो है वो काफी कमाल लग रहा है। वैसे 31 अगस्त के बाद तो फाइनली ये हमको ईडब्ल्यू कंपनी में देखने को मिल ही जाएंगे। तो आप लोग क्या एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। अब नेक्स्ट बात करते हैं AEW के डायनामाइट के शो के बारे में, जो कि मतलब कल हमको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल 4 मैचेस कंफर्म है, चारों मैचेस के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला मैच जो कि कंफर्म है वह AEW टैग टीम चैंपियनशिप के लिए यंग बक्स वर्सेस जुरासिक एक्सप्रेस के बीच। अब ये वाला मैच काफी अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट मैच की बात करूँ जो कि एक सिंगल्स मैच है, वह सेमी गवारा वर्सेस स्वांस स्पियर्स के बीच। अब इस वाले मैच में कोई मेजर अनाउंसमेंट भी हमको देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि भाई वो मेजर अनाउंसमेंट क्या होता है। नेक्स्ट मैच जो कि कंफर्म है वह है डार्बी एलन एंड स्टिंग वर्सेस 2.0 के बीच एक टैग टीम मैच। अब देखो, स्टिंग जो है वो TNT के किसी शो पर 20 साल बाद रेसल करने वाले हैं, तो देखते हैं भाई कितना मजा आता है इस मैच को देखने में। नेक्स्ट एंड फाइनल मैच जो कि कंफर्म है वो है MJF वर्सेस क्रिस जेरिको के बीच एक कमाल का मैच हमको देखने को मिलने वाला है। इस मैच के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब देखो, यही कुछ 4 मैचेस फिलहाल के लिए कंफर्म है, और बस देखते हैं कल के डायनामाइट के शो में हमको क्या चीज देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डैनियल ब्राइन के बारे में। तो इनके बारे में न्यूज ये निकल कर आया है कि डैनियल ब्राइन जो है वो विल ओस्प्रे के साथ मैच लड़ना चाहते हैं। तो भाई डैनियल ब्राइन का ये वाला ड्रीम मैच जो है वो इन फ्यूचर हमको जरूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब वो AEW कंपनी में मतलब अपना डेब्यू करेंगे तो भाई आपको तो पता है कि AEW और NJPW के बीच हमको डील देखने को मिल रहा है, और बहुत सारे मतलब ड्रीम मैचेस जैसे कि जॉन मॉक्सली और हिरोशि तानाहाशी के बीच भी हमको मैच देखने को मिल रहा है। तो अगर डैनियल ब्राइन इतने बड़े सुपरस्टार हैं और अगर वो विल ओस्प्रे के साथ मैच लड़ना चाहते हैं तो AEW उनको बिल्कुल भी मना नहीं करने वाली, और इन फ्यूचर ये वाला मैच हमको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो क्या आप लोग इस मैच को देखना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना। अब नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की ओर चलते हैं, जो कि है रूबी रायट या फिर रूबी सोहो से जुड़ा हुआ। तो देखो भाई, रूबी रायट ने भी एक टीजर वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि वो मतलब उनके हाथ में एक टिकट होता है न्यूयॉर्क का, और वो किसी ट्रेन को पकड़ने जाते हैं, बट जो ट्रेन होता है वो छूट जाता है। तो अगर आपको मतलब इनका टीजर वीडियो देखना है तो सिंपली ट्विटर पर जाओ और इनका नाम सर्च करो, और उसके बाद आपके सामने वो टीजर वीडियो आ जाएगा। तो इसमें भाई रूबी रायट जो है वो टीज कर रहे हैं कि वो जल्द ही मतलब किसी कंपनी के साथ साइन हो जाएंगे। अब आपको बता देता हूँ कि हिंट इसमें क्या है। तो टिकट में भाई न्यूयॉर्क का मतलब न्यूयॉर्क सिटी का नाम है, और आपको पता है कि 22 सितंबर को AEW का न्यूयॉर्क में मतलब इवेंट होने वाला है, डायनामाइट का शो होने वाला है। तो भाई रूमर ये आ रहा है कि रूबी सोहो या फिर रूबी राइट जो है या तो ऑल आउट में अपना डेब्यू करेंगे या फिर 22 सितंबर के डायनामाइट के शो में अपना डेब्यू करेंगे AEW कंपनी में। तो आप लोग क्या देखना चाहते हो रूबी सोहो को AEW कंपनी में कमेंट करके जरूर बताना। अब इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ पसंद आए तो लाइक मार दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बस मिलता हूँ अगली रेसलिंग वीडियो में। सी यू, बाय बाय।